तो है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डॉग ब्रीड्स जो कि आप विलेज में आराम से रख सकते हो। अगर आप खेतों में जाते हो या फिर पहाड़ी इलाकों में रहते हो या फिर ऐसे इलाकों में रहते हो जहाँ पर ठंड, बरसात और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में आप जो है इन डॉग को आराम से रख सकते हो। या फिर आप गाँव में रहते हो तो भी इन डॉग को आप आराम से एडॉप्ट कर सकते हो। तो पूरी 10 डॉग ब्रीड की जो है लिस्ट बनाई है मैंने, जो कि काफ़ी स्ट्रांग और मस्कुलर डॉग ब्रीड है। तो गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। जो लाइक एम हम रखते हैं 800 लाइक एम ज़रूर से आप कंप्लीट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारे 10th नंबर की पोजीशन पे आता है वो है बुल मैस्टिफ डॉग ब्रीड। तो ये डॉग ब्रीड आप जो है आसानी से आपके गांव में या फिर कहीं पहाड़ी इलाकों में रख सकते हैं या फिर खुले मैदान में भी इन डॉग का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी फियरलेस होते हैं, इनके कभी भी ये डरते नहीं है, चाहे आगे कोई जानवर आ जाता है या फिर कोई आप पे जो इनके डॉग ऑनर होते हैं उन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो ये कभी भी किसी भी जानवर से, इंसान से नहीं डरते। ये तुरंत अपने ऑनर को बचाते। इन डॉग ब्रीड को अगर आप बाहर ले जाते हो, खुले मैदान में ले जाते हो, तो ये आसानी से राउंड भी मारेगा। ऐसा नहीं कि आपको अटेंशन आपको देनी पड़ेगी इस डॉग को, ये ब्रीड आराम से आपके साथ रहेगा। और इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है, बॉडी भी जल्दी जल्दी ग्रो करती है। बट ध्यान रखना, इन डॉग को कभी भी ओवरवेट खाना ना खिलाने, तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है, फिर इनको पैर में जैसे कि लेग बेंडिंग या फिर और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इनका डाइट आप ज़रूर से प्रॉपरली रखिएगा और साथ में एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। तो गाइस, जो 9th नंबर की पोजीशन पे आता है वो है बॉक्सर। बॉक्सर डॉग आप ब्रीड आराम से रख सकते हैं, दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इनके कलर भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और जैसे आप इनके डाइट फॉलो करते हैं, अच्छे से इनको केयर करते हैं, वैसे इनका कलर भी अच्छा खासा ग्लो करता है। जैसे कि कोट आप ग्लो करना, आप रेगुलर अच्छे से केयर करते हो तो, और साथ साथ में सारे मौसम के हिसाब से अच्छे से रहते हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा भी आपका नहीं आएगा। और साथ साथ में जैसे पहाड़ों इलाकों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप खेतों में रखते हो या फिर कहीं बाहर ऐसे आपका बैकयार्ड है या खुला मैदान है, तो उस समय में ये डॉग ब्रीड आपके साथ अच्छे से रह लेंगे। ये फैमिली बड़ी है तो भी उनके साथ अच्छे से रहते हैं, बच्चे हैं तो भी उनके साथ भी अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और यह डॉग ब्रीड अपने ऑनर के कमांड भी अच्छे से सुन लेते हैं और उनकी बातें भी अच्छे से मानते हैं, इसलिए इन डॉग को ट्रेनिंग करना भी काफ़ी आसान है। और गाइस, बॉक्सर को अपने ऑनर के साथ रहना, उनके साथ घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि आपके गांव में एनिमल्स होते हैं, भैंस होती है, गाय होती है, बकरी होती है, अगर आप पहले से इनको उनके साथ सोशलाइज करते हो तो ये उनका ख्याल ज़रूर से रखेगा। जैसे कि आपके भैंस या फिर गाय के ऊपर कोई भी हमला करना चाहता है, कोई बाहर का जानवर उनके एरिया में भी आता है, तो ये डॉग ब्रीड उनको नहीं छोड़ते। इनको काफ़ी अच्छा नहीं लगता अपने इलाके में अगर कोई डॉग ब्रीड आता है या फिर दूसरा कोई एनिमल आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ताकि आपके जो एनिमल्स हैं उनकी भी ये सुरक्षा अच्छे से कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप सिटी में रहते हो, विलेज में या फिर आपके विलेज में कोई फार्म है, तो उस जगह पे भी इन डॉग ब्रीड का आप आसानी से रख सकते हो। तो गाइस, जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है ग्रेहाउंड। तो ग्रेहाउंड डॉग ब्रीड आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ और फुर्तीली डॉग ब्रीड है। इनकी बॉडी भी काफ़ी स्मूथ और स्लिम है, इसलिए अगर आप इन्हें कहीं खेतों में या फिर कहीं ले जाते हो खुले मैदान में या किसी का पीछा करना होता है, ये डॉग ब्रीड बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। इन डॉग ब्रीड को मोस्ट ऑफली रेसिंग में यूज़ किया जाता है, बट आज के समय में फार्म हाउस या फिर आपके कहीं खुला मैदान है या फिर आप गाँव में रहते हो, तो उस जगह पर भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और गाइस, ये जो डॉग ब्रीड है वो सारे डॉग में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डॉग ब्रीड है, और ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, यानी जो हम ह्यूमंस देखते हैं उससे ज़्यादा डिग्री में ये डॉग ब्रीड अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन डॉग ब्रीड को खास करके हिरन और जैसे कि ससले होते हैं उनको भगाने के लिए, उनको चेजिंग करने के लिए इन डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता था। और ये काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है और रनिंग में भी काफ़ी तेज़ है, तो अगर आप इन्हें लेते तो ये थोड़ा बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगी, बट ये बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है। तो गाइस, जो 7 नंबर की पोजीशन पे आता है वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे होते हैं, वो सिटी में भी काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं और विलेज में फार्म हाउस के में वो काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जैसे कि विलेज में जर्मन शेफर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि अपने फार्म हाउस को प्रोटेक्शन देने के लिए या फिर कहीं अपने कोई गोडाउन है उनका प्रोटेक्शन करने के लिए इन डॉग का यूज़ होता है। मिलिट्री आर्मी में भी यूज़ इन डॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इन डॉग का कोट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और बाल भी काफ़ी लंबे होते हैं, इसलिए कोई भी इंसान एक बार इसे देख के ज़रूर से डरेगा और अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए अगर आप विलेज में रहते हो तो भी इन डॉग ब्रीड को आप आसानी से रख सकते हैं, बट इसका जो बालों के ऊपर और इनके बॉडी के ऊपर आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा आपको देना पड़ेगा,
और इनका डाइट का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छे फिट और हेल्दी रहेंगे। और साथ साथ में अगर आप इन्हें ट्रेनिंग और सोशलाइज करते हो तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप कोई भी कंडीशन में इन्हें रखो, कहीं भी आप रखो, ट्रेनिंग अगर आप प्रॉपरली देते हो तो ये आपके लिए सारे काम करेगा और ये अच्छे से ट्रेन भी होते हैं। और इनका प्राइस भी आपको मीडियम प्राइस होता है, ज़्यादा प्राइस नहीं, डिपेंड करता है क्वालिटी पे। नॉर्मली अगर आप जर्मन शेफर्ड लेने जा रहे हो तो ये 14,000 से 15,000 के बीच में आपको मिल जाएगा, और फीमेल इससे कम आपको प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है कानी डॉग ब्रीड। ये डॉग ब्रीड को आप देखोगे तो ये काफ़ी सिंपल और यूनिक आपको देखने को मिलेंगे, और ये तमिलनाडु के हिस्से में ज़्यादा पाया जाता है। और ये इन डॉग को हंटिंग के लिए पहले यूज़ किया जाता था, तो अगर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना खाने पीने पे या डॉग के हिसाब से, तो आप ये डॉग ब्रीड को आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। इन डॉग ब्रीड का खाना काफ़ी सिंपल और अच्छा होता है। इनको आपको प्रॉपरली अगर खाना देते हो, मेंटेन रखते हो, तो ये डॉग ब्रीड आपकी हर बात मानेगा, ट्रेन भी अच्छे से होता है। कानी डॉग ब्रीड लंबे होते हैं और काफ़ी शर्मीले होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ नहीं करते। जब वक्त आने पे अपने मालिक की और अपने इलाके की काफ़ी अच्छे से हिफाजत भी करते हैं। ये डॉग ब्रीड काफ़ी साइलेंट और सिंपल रहते हैं, बट जब भी ये हंटिंग या फिर शिकार पे जाते हैं तो ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने हिसाब से ये काम करते हैं। ये कोई डॉग ओनर की ज़्यादा बात तब नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से शिकार करेंगे। और पहले के समय में इन डॉग ब्रीड को हिरन का शिकार करने में भी काफ़ी यूज़ किया जाता था, क्योंकि इनकी स्फूर्ति काफ़ी ज़्यादा है, ये तेज़ भागते भी है और काफ़ी फुर्तीले भी है। तो आपको एक अच्छा डॉग चाहिए जो पतला हो, अच्छा हो, सिंपल हो, तो आप इन डॉग ब्रीड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस, जो पाँचवें नंबर की पोजीशन पे आते हैं वो है रॉटवालर। आप सभी को जैसे पता है कि रॉटवालर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी डॉग ब्रीड होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास रॉटवालर ज़रूर होंगे, या फिर आपने कहीं देखा तो होगा ज़रूर इन्हें। ये डॉग ब्रीड आज के समय में पुलिस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, आर्मी में यूज़ होते हैं, और बहुत सारे लोग इन्हें सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि फार्म की रक्षा करना, या फिर होटल, या फिर कहीं इन्होंने बैकयार्ड पे हो, या फिर कहीं ऐसा एरिया हो जहाँ पे कुछ माल सामान रखते, उनकी हिफाजत करने के लिए भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और गाइस, जैसे कभी कभार आपके गांव में आपका घर काफ़ी दूर है, या फिर आप अकेले रहते हो, और ऐसा हो तो कभी गांव में रात को आपको पानी छोड़ने जाना पड़ता है गेहूं में, या फिर आपके जो माल होता है वहां पे खेतों में पड़ा होता है, उसकी हिफाजत करने आप जाते हो, तो कभी कभार जंगली जानवर आ जाते हैं, या फिर कभी कभार चोर भी आ जाते हैं, तो ऐसे में आपको डर लगता है कि आप अपनी हिफाजत कैसे करें। तो आप इन डॉग ब्रीड को आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हिफाजत करेगा। चाहे कोई भी हो सामने, डॉग ब्रीड एक बार भी नहीं डरेगा और उसके ऊपर हमला कर देगा, चाहे जंगली जानवर हो या फिर कोई नुकसान पहुँचाने के लिए आपके पास आया हो, उसको भी नहीं छोड़ेगा। बस आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको पहले से ट्रेनिंग और सोशलाइज ज़रूर करना है। जितनी ज़्यादा आप इन्हें ट्रेनिंग देते हो, सोशलाइज करते हो, ये आपके लिए उतना ही बेहतर बनते जाते हैं। और ये डॉग ब्रीड का प्राइस भी आपको 11,000 से 15,000 या 17,000 के आसपास मिल जाएगा, डिपेंड करता है कैसी आप क्वालिटी लेते हो। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है राजा पालियम डॉग ब्रीड। गाइस, ये एक इंडियन डॉग ब्रीड है और ये काफ़ी अच्छे है। अगर आप इन्हें अडॉप्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छे से रहते हैं, आपकी हिफाजत भी करते हैं, और इनकी बॉडी काफ़ी पतली और स्लिम है, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, और अपनी ओनर के लिए काफ़ी सेफ और अच्छे होते हैं ये डॉग ब्रीड। आपकी अगर आप विलेज में रहते हो तो आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगा, घर का खाना भी आसानी से खा लेगा। अगर आप डॉग फूड वगैरह कभी कभार देते हो तो उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये डॉग ब्रीड अभी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत इन लोग की ब्रीड काफ़ी कम होती जा रही है। इसलिए अगर आपके पास है या फिर कहीं आपने इसके बेबीज देखे तो आप ज़रूर से अडॉप्ट कीजिएगा और ज़रूर से इनकी केयर कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड है। तो नेक्स्ट पोजीशन पे हमारा जो डॉग ब्रीड आता है वो है डॉबरमैन। गाइस, डॉबरमैन डॉग ब्रीड को आपने देखा होगा, इन पुलिस में, आर्मी में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, जैसे आप इन्हें ट्रेन करते हो उस तरह से डॉग ब्रीड बनता जाता है। इन डॉग ब्रीड को आप कभी भी अपने साथ ले जाओ, ये कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, चाहे एनिमल्स हो या फिर कोई भी हो, ये आपकी रखवाली काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। इन डॉग ब्रीड को आप अच्छे से थोड़ा बहुत खाना भी खिला के काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ डॉग ब्रीड आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इनको अगर डॉग फूड और घर का खाना भी दोनों खिलाते हो तो इनकी बॉडी काफ़ी अच्छे से बनती जाती है, इनका कोट भी काफ़ी शाइन करता है, और बहुत सारे गांव में, विलेज में इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये डॉग ब्रीड आपको बहुत सारे कलर में मिल जाएगी, ब्लैक एंड टैन, रेड एंड टैन, ऐसे बहुत सारे कलर में आपको ये डॉग ब्रीड मिल जाएगी। अगर आप अपने सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अगर कोई डॉग ब्रीड चूज़ करना चाहते हो तो डॉबरमैन आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो जो सेकंड नंबर की पोजीशन पे आते हैं वो है गड्डी कुत्ता। गाइस अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जैसे कि पहाड़ों पे चढ़ना हो गया या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पे आपका खेत है वहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर आते और इंसानों पे हमला करते या फिर कभी कभार भेड़िया वगैरह आते, शेर वगैरह आते, भालू वगैरह आते, तो ऐसे में आप ये गड्डी कुत्ता आप रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और आपको बेस्ट रिजल्ट ज़रूर देगा। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर आते हैं, इंसानों को हमला करते हैं, तो उस जगह पे भी ये गड्डी कुत्ता काफ़ी अच्छे से आपकी रखवाली करता है। ये डॉग भी रात को सोते नहीं है या हिफाजत करते रहेंगे। अगर इनको थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो ये ज़रूर से उसके ऊपर हमला करेंगे या ज़रूर उधर जाकर ज़रूर देखेंगे कि कहाँ से आवाज़ आई है, फिर क्या है। इन डॉग ब्रीड को पहाड़ी इलाकों में भी आप अच्छे से रख सकते हो या फिर खेतों में अच्छे से ये डॉग ब्रीड अच्छे से रह लेते हैं। इन डॉग ब्रीड का खाना भी काफ़ी सिंपल होता है और इनकी केयर भी आप आसानी से जो है कर सकते हैं। इन डॉग ब्रीड को प्लीज़ सोशलाइज ज़रूर करना और ट्रेनिंग अगर आप इन्हें दे देते हो तो ये काफ़ी आपके लिए बेस्ट डॉग बना रहेगा। गाइस जो हमारी फर्स्ट नंबर की पोजीशन पर आते हैं वो है स्ट्रीट डॉग। तो गाइस आप सभी को पता है कि आप जब भी गांव में जाते हो तो गांव के लोग मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट डॉग एडोप्ट करते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें एडोप्ट करके अगर ट्रेन करते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो ये डॉग ब्रीड उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा वरदान जैसा साबित हो जाता है क्योंकि उनके साथ ही ये खेतों में जाते हैं। कभी कभार बैलगाड़ी हो गई या फिर ट्रैक्टर हो गया वहाँ पर जाते हैं गाँव में, जैसे खेतों में काम करने जाते हैं तो उन लोग के साथ जाते, दिन भर उनके साथ भी रहता है, ये एक दो रोटी खा के भी अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। और ख़ास करके जंगली जानवर हो गए, खरगोश हो गया, फिर कोई आता है तो बार करके भी अलर्ट करता है। कभी कभी जो बंदर है वो अनाज बिगाड़ देते तो उसके लिए भी बार करके भी उनको अच्छे से भगा देता है। और ये स्ट्रीट डॉग शहरों में भी काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं, घर में भी अच्छे से रह लेते हैं, बाहर में भी रह सकते हैं और अपने इंडियन वेदर के हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है। इसलिए अगर आप स्ट्रीट डॉग लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको ये 10 डॉग ब्रीड्स की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप प्लीज़ लाइक और शेयर तो करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।